और एक बोनस फैक्ट आपको बता देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, इट इज़ बेसिकली गोइंग टू बी ऑन सेविंग फ्यूल, आपके फ़ायदे के लिए होने वाला है। गाड़ी का माइलेज को हम लोग कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमल एफिशिएंसी ला सकते हैं गाड़ी में, ताकि जो पेट्रोल डीजल का बिल है वो थोड़ा कम हो। अभी पेट्रोल डीजल का दाम काफ़ी ज़्यादा है, इसको लेके कैसे चलें कि गाड़ी का माइलेज बेटर हो, उसके बारे में आज हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आपको 10 टिप्स देंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि हाउ टू इंक्रीज द माइलेज ऑफ योर कार। बट पेट्रोल और डीजल का दाम इतना ज़्यादा क्यों है, इस पर हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो बना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपका आई बटन में भी आ रहा होगा, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। और जितना दिन जा रहा है हम लोग हॉर्स पावर के बारे में बात करते हैं, हम लोग टॉर्क के बारे में बात करते हैं, बेसिकली जो पावर नंबर से गाड़ी के, तो ये जैसे बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिकली फ्यूल कंजम्पशन भी उतना बढ़ते जाएगा। सो हम लोग का जो डिमांड है कि पावरफुल गाड़ी होना चाहिए, एसयूवी तो 1.5 लीटर के नीचे एसयूवी होता ही नहीं है, तो ऐसा जो थॉट प्रोसेस है उससे भी आपका फ्यूल एक्सपेंस बढ़ेगा। सो समझ लेते हैं कि जो गाड़ी का माइलेज जो प्रिंट होकर आता है कैटलॉग्स में या फिर वेबसाइट पर आपको दिखता है, उस माइलेज के साथ आपका एक्चुअल माइलेज क्यों नहीं मैच होता। जो आपके गाड़ी के कैटलॉग में या कंपनी के वेबसाइट में रहता है या शोरूम में जो आपको बोला जाता है, दैट इज़ दी ARAI माइलेज, दैट इज़ ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट बॉडी है जो गाड़ियों को टेस्ट करती है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। सो उसके बेसिस पे जो माइलेज डिराइव होकर आता है, ऑफकोर्स वो ज़्यादा होगा बिकॉज वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में आता है, तो उस माइलेज को दर्शाया जाता है कैटलॉग्स में। ऑफकोर्स वो माइलेज नहीं मिलेगा बिकॉज ऑन रोड कंडीशंस बहुत डिफरेंट होते हैं, पॉट होल्स रहते हैं जो पूरे इंडिया में कॉमन है, और ख़राब रोड्स या सिग्नल इशू या फिर ट्रैफिक जैम्स या फिर आइडलिंग ज़्यादा होता है गाड़ी का, ये सब के वजह से कभी वो मैच नहीं होता है। हम लोग ARAI का जो माइलेज फॉर्मेट्स है या फिर IDC जो बोलते हैं इंडियन ड्राइविंग साइकिल, उसके बारे में एक फ्यूचर वीडियो लेके आएंगे, तो उससे भी आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आई ओन अ टाटा नेक्सॉन, सो 17.4 KMPL उसका पेट्रोल इंजन का क्लेम्ड माइलेज है ARAI का, बट आई गेट समवेयर अराउंड 13-14 किलोमीटर्स पर लीटर सिटी एंड हाईवे पुट टुगेदर, तो सिटी करेंगे तो शायद 12 ही आएगा। सो इतना डिफरेंस आ जाता है आपका जो क्लेम्ड माइलेज और एक्चुअल माइलेज है। सो ये पहले हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि माइलेज जो आपको कैटलॉग में है वो शायद ना मिले, लेकिन जो हम लोग अभी टिप्स डिस्कस करेंगे वो टिप्स से शायद थोड़ा सा आपका जो 12 से शायद 13 हो जाए, थोड़ा सा कुछ परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो जाए। वीडियो को डिटेल में शुरू करने के पहले दोस्तों और एक पॉइंट मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो हम लोग कवर करेंगे, 10 टिप्स जो हम लोग आपको शेयर करेंगे, इसमें काफ़ी सारे कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स भी है, शायद वो आपको पता भी हो, आपको लगे क्या यार ये तो मुझे पता ही था, लेकिन हम लोग शायद वो फॉलो नहीं करते। तो अगर वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, चॉइस आपका है, आप फॉलो करो या ना करो, बट अगर आप करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, आपको थोड़ा पैसा सेव होगा, थोड़ा यू कैन सेव सम मनी। सो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सो पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कि अपने आप जब गाड़ी चला रहे हो तो क्विक एक्सीलरेशन या क्विक ब्रेकिंग नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जब आप गाड़ी को एक्सीलरेट करते हो ग्रेजुअली, तो उसमें क्या होता है, आपका गाड़ी एक मोमेंटम ले लेता है, और जब मोमेंटम ले लेता है तो गाड़ी का एक वेट रहता है, तो वेट के वजह से वो मोमेंटम कैरी कर पाती है वो गाड़ी। सो मोमेंटम को आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो सडन ब्रेकिंग या सडन एक्सीलरेशन को अवॉइड किया करो। सडन ब्रेक आप करोगे तो आपने जितना फ्यूल बर्न करके वो मोमेंटम अचीव किया उसको सडनली आप स्टॉप कर दे रहे हो, और अगर आप सडन एक्सीलरेशन करोगे तो आपका क्या होगा कि फिर उतना जो वेट है वो फोर्स ऑफ इनर्शिया की वजह से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा इंजन को टू इंक्रीज द स्पीड, जिसकी वजह से आपका RPM शूट अप तो होगा ही और फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। सपोज आपके 2 किलोमीटर आगे या फिर 1.5 किलोमीटर आगे आपको एक ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा है एंड आप शायद 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चला रहे हो, तो एज ए नॉर्मल कम्यूटर जो मैं भी करता हूँ कि हम लोग 50 में ही चलेंगे, सिग्नल के थोड़ी देर पहले से ब्रेक करना चालू करेंगे एंड सिग्नल पे जाके ज़ीरो हो जाएगा। एक सेकेंड सिनेरियो लेते हैं, आइडियल सिनेरियो, जिसमें हम लोग शायद 50 को स्पीड को धीरे धीरे कम करेंगे, विल नॉट प्रेस द ब्रेक्स, मे बी इंजन ब्रेकिंग यूज़ करके स्पीड को थोड़ा कम करेंगे। कम करने के बाद एवरेज स्पीड जो है, जो 50 पहले हो रहा था, अभी शायद 35 होगा बिकॉज धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड कम होगा, और अगर आपका सिग्नल तब तक ग्रीन हो जाए तो आप वो मोमेंटम कैरी करके मे बी एट स्पीड ऑफ 20 और 15 जो आप सिग्नल तक पहुँचोगे आप कैरी करके आगे बढ़ सकते हो। सो इससे क्या होगा, आपका गाड़ी को ज़ीरो पे नहीं आना पड़ेगा, गाड़ी मोमेंटम में रहेगी। दूसरा चीज़ है कि आपको ज़्यादा ब्रेक करके जो आपका काइनेटिक एनर्जी उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, और आपको गाड़ी को भी जीरो से स्टार्ट करके एक मोमेंटम क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। तो दैट वे यू कैन सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल। सडन ब्रेकिंग और सडन एक्सीलरेशन को अवॉइड किया कीजिए। सेकेंड थिंग इज़ जो हम लोग
बहुत कम ही लोग इसको फॉलो करते हैं, दैट इज़ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। गाड़ी का जो टायर प्रेशर होता है बहुत क्रिटिकल होता है फॉर मल्टीपल रीजंस। फर्स्ट थिंग इज़ सेफ्टी, बिकॉज आपका गाड़ी का जो व्हील है दैट इज़ दी ओनली कॉम्पोनेंट जो आपको धरती के साथ जोड़ के रखा है। अगर टायर फेल करे तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो टायर को, टायर का ग्रिप बना के रखना है, टायर का अलाइनमेंट सही रखना है, और टायर में प्रॉपर प्रेशर रहेगा तो टायर को प्रॉपर ट्रैक्शन मिलेगा, प्रॉपर रोड पे ग्रिप मिलेगा, जिसकी वजह से आपका टायर प्रॉपर फंक्शन करेगा और आपको जब ब्रेक आप दबाओगे तो आपका गाड़ी रुकेगा। सो टायर का जो प्रेशर है उसको ऑप्टिमल जो प्रेशर है वो नॉर्मली ड्राइवर साइड डोर के बाजू रहता है, तो उसको आप फॉलो किया कीजिए, उस वो प्रेशर उनको मेंटेन किया कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर ट्रैक्शन मिलेगा और एक्सेलरेशन भी आपको ऑप्टिमल मिलेगा और ब्रेकिंग भी आपको ऑप्टिमल मिलेगा। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल, नॉट ओनली फ्यूल, अगर आप प्रॉपर टायर प्रेशर को मेंटेन करोगे थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ योर टायर, मे बी 50,000 किलोमीटर 60,000 किलोमीटर, तो देखा गया है ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर तक आप टायर का लाइफ एक्सटेंड कर सकते हो अगर आप प्रॉपर टायर प्रेशर मेंटेन करो। और जितना फ्यूल आप सेव करोगे उसके 10/1 कॉस्ट में आप एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस भी खरीद सकते हो। सो उसको लेकर आप यूज़ किया करो, और टायर को जब आप हवा डालोगे पेट्रोल पंप में या भी पंचर शॉप में जहाँ भी, तो कोशिश कीजिए कि अगर ठंडा व्हील पे प्रेशर आप बनाएं तो दैट इज़ एक्चुअली द आइडियल, मोस्ट आइडियल कंडीशन। या हाईवे पे आप जब रन करते हो टायर बहुत गर्म रहता है उस टाइम में आप फील करोगे तो उससे उतना फ़ायदा होता नहीं है। नेक्स्ट जो टिप है दैट इज़ बेसिकली यूजिंग ऑफ क्रूज कंट्रोल। सो आप जब लॉन्ग पे चलते हो, हाईवे पे चलते हो, तो नॉर्मली देखा गया है कि हाईवे पे भी लोग बहुत ज़्यादा ओवरटेक करते हैं, लेफ्ट राइट स्विवलिंग करते हैं ताकि टू शो दैट दे आर फास्ट। बट क्या होता है ना, 100-150 किलोमीटर चलाने के बाद आपको लगता है चलो चाय पी लेते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, तो वो जो ट्रक को जो आप जिसको आप आधे घंटे पहले या 50 किलोमीटर पहले आप ओवरटेक करके आए थे, आप जब चाय पीते रहो पी रहे होगे गाड़ी को रोक के, आप देखो वो ट्रक सामने से जा रहा है। अभी लॉजिक क्या है मैं समझा देता हूँ। हाईवे पे ट्रैवल करने का सबसे बेस्ट प्रोसेस है, सबसे इकोनॉमिकल प्रोसेस जो होता है दैट इज़ मेंटेनिंग अ प्रॉपर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इन द सेंस आप कहीं पे अगर 100 किलोमीटर स्पीड पे चला रहे हो, कहीं पे 20 किलोमीटर पे चला रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिकली 100 और 20 को जोड़ के बाई 2 करोगे तो 60 एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो एनीवेज आपको रुकना ही है बीच बीच में, तो ट्राई एंड मेंटेन एन एवरेज स्पीड जो अराउंड 70 का एवरेज स्पीड इज़ कंसिडर टू बी ऑप्टिमल। सो एवरेज स्पीड आप मेंटेन करोगे तो आपको फ्यूल कंजम्पशन कम होगा गाड़ी का, गाड़ी का इंजन हीट ऑप्टिमल रहेगा, तो इंजन हीट ऑप्टिमल रहने से आपको ये होता है। तो क्रूज कंट्रोल आप सेट करके रखो अगर आपकी गाड़ी में है तो, अगर नहीं है तो ट्राई एंड मेंटेन 60-80 के बीच में एवरेज स्पीड। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जब क्रूज कंट्रोल करते हो तो जनरली गाड़ी का गियरिंग सेटअप ऐसा होता है कि 5th गियर या 6th गियर में होता है क्रूज कंट्रोल जब आप करोगे, तो उसमें आप देखोगे कि आपका आरपीएम जो है वो 2,000 से लेकर 3,500 के बीच में रहेगा। दैट इज़ द ऑप्टिमल आरपीएम फॉर डिराइविंग द मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम एन इंजन विद मिनिमम एफर्ट। सो मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट का मतलब ऑटोमेटिकली कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता है गाड़ी का। सो क्रूज कंट्रोल आप यूज़ किया करो, एवरेज स्पीड को मेंटेन करके आप यूज़ किया करो, दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट इज़ ये बहुत ही कॉमन चीज़ है बट हम लोग में से कोई नहीं करता, दैट इज़ रिमूविंग एक्स्ट्रा वेट फ्रॉम योर कार। फॉर एग्जांपल आप आपके गाड़ी में जाओ, डिक्की खोलो और देखो क्या क्या सामान रखा है अंदर, और उसमें से आप देख लो कि कौन कौन सा सामान आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप रख के रखे हो। अगर एक 20 किलो भी बढ़ जाता है गाड़ी का वजन, तो 20 किलो के लिए भी वो गाड़ी के इंजन को 20 किलो वजन एक्स्ट्रा पुल करना पड़ रहा है, करेक्ट ना? जो पुल कर रहा है डेफिनेटली उसके लिए फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, तो आपका माइलेज कम हो जाएगा। गाड़ी में उतना ही आप सामान रखा करो जितना कि एसेंशियल है। फॉर एग्जांपल आपका स्टिपनी, आपका टूल किट, मे बी थोड़ा पानी, एक डस्टर एक्सेट्रा जो जनरली रहता है। गाड़ी में अनाप शनाप चीज़ भरा मत करो। हाँ, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या आप लद्दाख वदाख टूर पे जा रहे हो तो आपको बहुत सारा सामान लेना पड़ेगा, बट नॉर्मल सिटी कम्यूटिंग के लिए उतना सामान ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो ट्राई एंड कीप दी ओनली दी एसेंशियल्स व्हेन यू आर बेसिक कम्यूटिंग जब आप कर रहे हो, तो उससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो पाँचवा जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक ऑल ऑफ अस फॉलो दैट बट फ्यू ऑफ अस डोंट। सो ये टिप हो जाता है कि टाइमली सर्विसिंग का। देखिए गाड़ी का जो आपको ओनर मैनुअल है दैट इज़ दी बाइबल ऑफ योर कार, वो ओनर मैनुअल को आप फॉलो करोगे तो आपका गाड़ी का लाइफ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हम में से काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ओनर मैनुअल में ऐसे लिखा जाता है ताकि सर्विस कॉस्ट से कंपनी प्रॉफिट कर पाए। ऑफकोर्स कंपनी तो प्रॉफिट करने के लिए है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उससे हम लोग को भी बहुत बेनिफिट है कि अगर आप स्पार्क प्लग आपको बोलता है कि 30,000 किलोमीटर में चेंज करना है, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल,
तो 30,000 में चेंज कर लो आप, क्योंकि स्पार्क प्लग का एज अगर बढ़ जाता है तो आपका गाड़ी का नॉट ओनली पिकअप, आपका जो एफिशिएंसी है इंजन का वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। नॉट ओनली दैट, आपका एमिशन स्टैंडर्ड्स ख़राब हो जाते हैं, आपका माइलेज कम हो जाएगा, एमिशन स्टैंडर्ड्स ख़राब हो जाएंगे तो आपका कार्बोरेटर में इशू आएगा, आपका साइलेंसर असेंबली में इशू आएगा, कार्बन डिपॉजिट्स आएंगे, ये सब। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिवन एग्जाम्पल, स्पार्क प्लग ऐसा बहुत सारा कंपोनेंट्स है। एयर फिल्टर पर से, एयर फिल्टर अगर गंदा है, आप उसको प्रॉपर टाइम पे क्लीनिंग या चेंजिंग नहीं कराए तो आपके इंजन में प्रॉपर हवा नहीं जाएगा, और हवा नहीं गया तो कंबशन स्टेज में प्रॉब्लम होगा। सो इंजन का ऑपरेशंस के बारे में हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आपका आई बटन बारा होगा, आप वो चेक कर सकते हो। फर्दर, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इंजन ऑयल या फिर इंजन ऑयल फिल्टर या फ्यूल फिल्टर, ये सब ऑन टाइम चेंज कराना चाहिए। इंजन ऑयल के बारे में तो शायद हम लोग सोचते ही नहीं है, बट इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके गाड़ी के इंजन के लिए। अगर आप गलत इंजन ऑयल यूज़ करोगे, जो कि नॉर्मली हम लोग करते हैं कि 3-4 सर्विस जो फ्री सर्विस के बाद हम लोग बाहर से सर्विसिंग कराते हैं और वहाँ पे कॉमन इंजन ऑयल्स डाले जाते हैं जो आपका मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड है, बहुत जगह में मिस हो जाता है, तो उससे आपका इंजन लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब हो जाता है। और इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल वीडियोज़ बनाए हैं, नॉट वन टू वीडियोज़, बहुत डिटेल में, तो आपके आई बटन में आ रहा होगा, यू कैन चेक दैट आउट। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके वो वीडियोज़ चेक कर सकते हो, उसका आपका आइडिया हो जाएगा इंजन ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है। फ्यूल इंजेक्टर डीजल गाड़ियों के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये सब छोटे छोटे चीज़ जो है वो आपके ओनर मैनुअल में जैसे लिखा है उसके हिसाब से फॉलो किया जाएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो किया कीजिए। उससे क्या होगा, आपके इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा, डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा इन टर्म्स ऑफ माइलेज। आप जो पैसा बचाना चाह रहे हो सर्विसिंग ना करा के, वो पैसा आप सर्विसिंग करा के भी बचा सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी और 5 पॉइंट बाकी है और इसमें काफ़ी सारे लॉजिकल पॉइंट्स, कॉमन सेंस वाले नहीं, इसमें थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स भी है जो बहुत ज़्यादा आपको फ्यूल बचा सकता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। अगर आपको कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है, कुछ आप ऐड करना चाहते हो इस टॉपिक पे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, उन तक भी ये आइडिया पहुँचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द सिक्स्थ पॉइंट। सो सिक्स पॉइंट्स बेसिकली अगेन कॉमन सेंस और कम्फर्ट के बारे में है। इट इज़ अबाउट एसी। सो इंडियन जो सबकॉन्टिनेंट का जो क्लाइमेट है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्लाइमेट है कि धूप में आप गाड़ी रख दोगे तो गाड़ी तप जाती है एंड बहुत मुश्किल होता है, बगैर एसी का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समर्स में। आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड, बट हम लोग को ऐसा आदत हो गया है कि हम लोग गाड़ी में घुसते हैं, खिड़की तो नीचे करते ही नहीं, ऑल दो सनरूफ वाला गाड़ी ले लेते हैं लेकिन खिड़की को खोलते नहीं हैं, गाड़ी में घुसते हैं, गाड़ी ऑन होता है और पहला जो हाथ हम लोग को जाता है सीट बेल्ट के भी पहले, ये मैंने काफ़ी लोगों में देखा है कि सीट बेल्ट लगाने के भी पहले एसी का स्विच ऑन होता है। ये आदत हो गया है, कम्फर्ट का एक आदत हो गया, कन्वीनियंस का एक आदत हो गया, दैट इज़ नॉट बैड, दैट इज़ गुड फॉर मेनी, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उससे आपका जो फ्यूल है वो भी कंज्यूम हो रहा है। जब आप एसी चलाते हो तो आपका फ्यूल कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज एसी के लिए काफ़ी पावर जनरेट करना पड़ता है, तो अल्टरनेटर को और ओवरवर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको इंजन को ज़्यादा आरपीएम पे घूमना पड़ता है। सो एसी से आपका फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी कम हो जाता है। इट इज़ एस्टिमेटेड कि आप अगर एसी ऑन करके गाड़ी चलाओगे तो 15% कम फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगा। मतलब ऐसे भी होता है कि पीक विंटर्स में, आफ्टरनून्स में हम लोग एसी चला के घूमते हैं गाड़ी में फॉर नो राइम ऑन रीज़न। मतलब आप खिड़की ओपन करोगे तो इट इज़ एनीवेज कोल्ड आउटसाइड। अगर आपको पैसा बचाना है तो थोड़ा कंफर्ट को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। हाँ, ज़रूरत है तो डेफिनेटली यूज़ कीजिए, बट थोड़ा एसी कम करेंगे तो होगा, दैट्स बेसिक कॉमन सेंस। सो मूविंग अहेड, अनदर कॉमन पॉइंट ऑफ कॉमन सेंस इज रूट प्लानिंग। सपोज आपको गाड़ी लेके निकलना है तो आप ऑप्टिमल रूट प्लानिंग कर लीजिए। सपोज आपको आज एक काम है, कल दूसरा काम और परसों तीसरा काम है जो शायद आप एक दिन में कर सको, और अपना रूट मैपिंग उस हिसाब से करो कि आपको टाइम और ट्रैफिक दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। उन्हें ऐसा ना हो कि कम टाइम के चक्कर में आप ट्रैफिक वाला रास्ता ले लो ताकि आइडलिंग में आपका तेल फूक जाए, या फिर आप टाइम बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लंबा रूट ले लो जिसमें आपको हाई आरपीएम में गाड़ी चलाना पड़े। तो टाइम और ट्रैफिक को बैलेंस करके आप रूट मैप डिसाइड किया कीजिए। गूगल आंटी तो बोलेंगी, शी विल ऑलवेज शो द शॉर्टेस्ट रूट। मूविंग अहेड, ये थोड़ा कॉमन सेंस है बट शायद सबको पता नहीं होगा कि बारिश में ट्राई टू अवॉइड ड्राइविंग इन द रेन। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ, बेसिक में मैं समझाता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल नहीं बोलूँगा, बेसिक में समझाऊँगा। आपका जब टायर रोटेट होता है रोड के ऊपर तो उसमें ट्रैक्शन पैदा होता है, ट्रैक्शन होता है बोल के फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है बोल के वो टायर आपके गाड़ी को आगे धकेल पाती है। जब बारिश होता है तब रोड के ऊपर एक पतला लेयर बन जाता है पानी का, जिसको एक्वा लेयर भी बोला जाता है।
तो पानी का जो पतला लेयर बन जाता है उसके ऊपर जब व्हील घूमता है तो व्हील को ज़्यादा उस पर फोर्स देना पड़ता है टू गेट दैट ट्रैक्शन, तभी वो फ्रिक्शन पैदा हो सकती है। इसीलिए आप टायर में, आप देखोगे टायर में ट्रेड्स बने हुए रहते हैं ताकि पानी ड्रेन आउट हो जाए, तो उसी हिसाब से ट्रेड्स बने हुए होते हैं टायर में। तो वो ट्रेड बनने का यही रीज़न है कि आपको ट्रैक्शन दे पाए। तो सूखे रोड पे जब जाओगे आपको ट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो बारिश के टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेन जब आप जाओगे तो ट्रैक्शन कम मिलेगा, जिसकी वजह से आपको आपका जो इंजन को ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा, दैट वे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं मिलता आपके इंजन से, तो फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पानी और विंड का जो कॉम्बिनेशन आपके गाड़ी के ऊपर आता है जब आप चला रहे हो रेन में, तो उसमें क्या होता है कि उसको जब हवा से चीर के गाड़ी आगे बढ़ रही है तो एक एरोडायनामिक ड्रैग पैदा होता है। अगर ड्राई एयर है, मॉइस्चर कम है एयर में, तो एरोडायनामिक ड्रैग कम होगा। बारिश के टाइम मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है हवा में, प्लस पानी तो रहता ही है, उसके वजह से जो एरोडायनामिक ड्रैग है वो बहुत बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका इंजन की एफिशिएंसी, मतलब इंजन को और ज़्यादा पावर देना पड़ता है गाड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए। सो ये दो रीज़न के वजह से गाड़ी का माइलेज काफ़ी हद तक कम हो जाता है अगर आप रेन में चला रहे हो, तो बारिश में चला रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, बारिश के टाइम हम लोग काफ़ी सारे मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ नहीं करते गाड़ी में, जिसके वजह से भी गाड़ी का ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है 10 कार मेंटेनेंस टिप्स इन द मॉनसून सीजन, आपके आई बटन में आ रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। कमिंग टू द 9th पॉइंट, थोड़ा सा टेक्निकल है, दिस इज़ नोन एज इंजन ब्रेकिंग। इंजन ब्रेकिंग से एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि इंजन ब्रेकिंग से इंजन को डैमेज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंजन ब्रेकिंग से आपको आपका एक्चुअली ब्रेक का लाइफ बढ़ता है, बिकॉज ब्रेक्स यूज़ नहीं होता है। सेकेंड थिंग इज़, इंजन ब्रेकिंग से आपका फ्यूल कंजम्पशन रैपिडली डिक्रीज़ हो जाता है। इंजन ब्रेकिंग और कोस्टिंग दो अलग टाइप के प्रकार है। इंजन ब्रेकिंग में हम लोगों ने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आपका आई बटन मारा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 10th पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम लोग सिटी कम्यूटिंग में डेफिनेटली फॉलो नहीं करते, कि हम लोग जब इंटरमीडिएट एलिवेशंस पे गाड़ी को रन करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लाईओवर पे आप चढ़ रहे हो और फ्लाईओवर से उतर रहे हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लाईओवर पे जब चढ़ने के टाइम हम लोग एक्सीलेटर को फ्लोर कर देते हैं टू मेंटेन द स्पीड। सपोज आप 60 के स्पीड में फ्लाईओवर को अप्रोच किए, आप कोशिश करते हो कि 60 के स्पीड में ही आप ऊपर तक जाओ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो गियर ड्रॉप करना पड़ेगा या तो उसी गियर में आपको आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा। दोनों केस में रिजल्टेंट हो रहा है, आरपीएम बढ़ रहा है, मतलब आपका ट्रांसमिशन चेंज कर रहा है, बट इंजन के पे उतना ही पावर लगता है इंजन को, अगर आप हायर गियर में करोगे या लोअर गियर में करोगे। तो आरपीएम जब बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है। सो रादर देन दैट, अगर आपके पास थोड़ा सा क्लियर रूट है कि आगे पीछे थोड़ा सा जगह है, तो रादर देन पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द इंजन, यू मेंटेन द सेम प्रेशर ऑन द एक्सीलेटर विच वॉज देयर एट द टाइम ऑफ अप्रोच ऑफ द फ्लाईओवर। तो उससे क्या होगा, आप जब फ्लाईओवर में चढ़ोगे तब डेफिनेटली स्पीड कम होगा, बिकॉज आपका आरपीएम कॉन्स्टेंट आप रखे हो और आपको एक स्लोप पे आप क्लाइम कर रहे हो तो कम होगा। लेकिन आप उसी एक्सीलेटर को कॉन्स्टेंट रखो, डोंट रिड्यूस और इंक्रीज फर्दर। टॉप पे आप जब पहुंचोगे फ्लाईओवर के, फिर नीचे जाओगे तो उस एक्सीलरेशन में आपको एडिशनल पुल मिल जाएगा, तो दैट वे यू विल बी सेविंग मोर देन 5% ऑफ फ्यूल। एंड बिलीव मी, ये हम लोग कोई नहीं फॉलो करते हैं, ये पॉइंट काफ़ी रिसर्च करके हम लोग को पता चला, और इसके बारे में आपको यूट्यूब में या गूगल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं। इसके बारे में काफ़ी रिसर्च हुआ है पहले, बट पब्लिक डोमेन में काफ़ी कम है। ये थोड़ा समझाना, एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट है, बोल के शायद अभी तक कवर नहीं हुआ। और एक बोनस फैक्ट आपको बता देते हैं कि आपका जो टायर प्रेशर है, अगर 1.5 PSI टायर प्रेशर कम हुआ तो यू विल लूज़ 3% ऑफ फ्यूल इकोनॉमी। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, 32 PSI का आपका ऑप्टिमल एयर प्रेशर दिया हुआ टायर प्रेशर, और आप गाड़ी चला रहे हो 30.5 PSI पे, 1.5 PSI कम है एयर प्रेशर आपके टायर आपके व्हील में, तो इससे आप 3% फ्यूल इकोनॉमी लूज़ करोगे। ये एक बोनस टिप था, और आई होप ये टिप से आपको क्लियर हो गया होगा कि थोड़ा माइन्यूटली अगर हम लोग गाड़ी के बारे में सोचेंगे या समझेंगे तो शायद हम लोग को बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलेगा। नॉट ओनली बेटर फ्यूल इकोनॉमी, हम लोग को शायद एक बेटर गाड़ी का लाइफ मिलेगा, जो कि हम लोग को लॉन्ग टर्म में थोड़ा बेनिफिट करेगा। तो वीडियो में इतना ही था दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। कुछ कमेंट है, कुछ सुझाव है, आपको लगता है और भी कुछ पॉइंट हम लोग कवर कर सकते थे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को तुरंत अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट नो हाउ है, उनको बेनिफिट होगा, उनके गाड़ी या बाइक में शायद वो यूज़ कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।